फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में अब सर्दी पूरी तरह से अलविदा कह चुकी है और लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि उत्तर पूर्वी हवाओं ने शुक्रवार को दिल्ली में पारा नीचे ला दिया। वहीं भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक सोमवार से दिन के तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार यानी आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी। बता दें कि शुक्रवार को शहर के बेस वेदर स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 30 डिग्री सेल्सियस था। वहीं न्यूनतम तापमान गुरुवार को 16.8 डिग्री के मुकाबले 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन स्काईमेट के उपाध्यक्ष के मुताबिक 14 मार्च से अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 4-5 डिग्री अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हवा की गति कम हो जाएगी। अभी के लिए तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण अंतर 2-3 डिग्री से अधिक नहीं है। दिल्ली NCR की हवा थोड़ी खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम श्रेणी में 164 रहा। वहीं नोएडा में AQI संतोषजनक स्थिति में 94 दर्ज हुआ, जबकि गुरुग्राम में AQI 90 रिकॉर्ड हुआ। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।